जयपुर के प्रताप नगर सेक्टर 3 में अल्पसंख्यक बॉयज हॉस्टल के लिए आवंटित हुई जमीन का विरोध शुरू हो गया। सांगानेर विधायक अशोक लाहोटी आज स्थानीय लोगों को और कार्यकर्ताओं के साथ हाउसिंग बोर्ड पहुंचे, जहां उन्होंने कमिश्नर पवन अरोड़ा को ज्ञापन सौंपकर जमीन का आवंटन निरस्त करने की मांग की। बोर्ड ने अल्पसंख्यक बॉयज हॉस्टल के लिए 5000 वर्ग मीटर जमीन फ्री आवंटित की। विधायक ने बताया कि प्रताप नगर हाउसिंग बोर्ड पूरे क्षेत्र में युवाओं के लिए खेलने हेतु कोई ग्राउंड नहीं है, अतः यह जगह युवाओं के लिए खेलने हेतु आवंटित की जाए। साथ ही कई पार्षद मौजूद रहे। देखिए, प्रताप नगर सेक्टर 3 में हाउसिंग बोर्ड ने अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए जगह आवंटित की, जबकि उस जगह की 99% आबादी इसका विरोध कर रही है। वहाँ युवाओं के लिए कोई खेलने का मैदान नहीं है। आज हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर को कहा कि पहले भी वहाँ जबरदस्ती हज हाउस के लिए जगह आवंटित की थी, उसका भारी जन विरोध हुआ, लोगों ने हज हाउस बनने नहीं दिया। ऐसे ही अल्पसंख्यक छात्रावास था, वहाँ पर भारी जन विरोध हो रहा है। उस जगह पर अल्पसंख्यक छात्रावास की जरूरत नहीं है। जहाँ इसकी जरूरत हो, रामगंज में है, करबला में है, ईदगाह में है, पुराने है, हज हाउस जहाँ बना हुआ है वहाँ पर है, वहाँ हज हाउस दें। प्रताप नगर क्षेत्र में हज हाउस की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, और नए प्रताप नगर क्षेत्र में अल्पसंख्यक छात्रावास की आवश्यकता है। जहाँ पर आबादी के अनुरूप जो लोग चाहते हैं उसी अनुरूप काम करें। यहाँ की 99% आबादी इसके विरोध में है, इसलिए यहाँ पर ये अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं बनने देंगे। ये हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर महोदय से निवेदन किया है और इस सरकार को ये प्रस्ताव भेजे और आवंटन को निरस्त करें। आवंटन पत्र तो इन्होंने दे दिया है, आवंटन को निरस्त करें। वहाँ जनता का विरोध है और जनता इसके विरोध में है।